दोस्तों चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, तो हम इस वीडियो में रॉकेट LBM-3M4 लॉन्च होने के स्टेज के बारे में, जैसे कि कौन सा पार्ट कब अलग हुआ ये देखेंगे। इस रॉकेट के बगल में दो स्ट्रैप हैं, यहीं से लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और यहीं से रॉकेट उड़ान भरता है। 44 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद बीच में लगे विकास इंजन L110 में इग्निशन स्टार्ट होता है। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट का पहला हिस्सा यानी S-200 रॉकेट से अलग हो जाता है। दूसरे हिस्से का सेपरेशन 114 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जिसके अंदर चंद्रयान 3 रखा हुआ था। यह रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे पेलोड फेयरिंग कहते हैं। तीसरा हिस्सा मुख्य कोर इंजन 175 किलोमीटर ऊपर अलग हुआ। ये रॉकेट का लिक्विड स्टेज इंजन है, जिसे L110 कहते हैं। इसने चंद्रयान 3 को 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। चौथा हिस्सा है क्रायोजेनिक इंजन C-25। पहले चंद्रयान 3 को 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया, फिर उसे वापस 174 किलोमीटर की ऊंचाई पर नीचे ले आता है और यहां पर क्रायोजेनिक इंजन बंद हो जाता है। अब तक 15 मिनट हो चुके होते हैं, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए बंद होने के बावजूद चंद्रयान 3 को 5 किलोमीटर ऊपर ले जाता है, यानी 179 किलोमीटर पहुंचकर क्रायोजेनिक इंजन अलग हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं 16.15 मिनट में पूरी हो जाती हैं। इसके बाद चंद्रयान 3 की स्पीड 10.26 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है।